हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में लैया का उपमा या मुरमुरा का उपमा बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए लैया का उपमा बनाना शुरू करते हैं और साथ ही हम आपको इसकी सामग्री भी बताते जाएंगे। लैया का उपमा बनाने के लिए मैंने पहले ही कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल दिया है ताकि ऑयल गर्म हो सके और कढ़ाई को सिम पे कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लगभग 2 कटोरी के करीब लैया ली है। इसे हम मुरमुरा भी कहते हैं। अब हम इसे 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। जब तक हम इसे 2-3 पानी से वॉश करेंगे, लैया भी हमारी वॉश करते करते ही नरम हो जाएगी। इसे हमें ज्यादा देर पानी में भिगोने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लैया को 2-3 पानी से वॉश कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लैया को 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और ये देखिए, ये सॉफ्ट भी हो गई है। आपकी लैया वॉश करने के बाद सॉफ्ट नहीं होती है तो उसको 2 मिनट के लिए पानी में भिगो दीजिए। हमें यहाँ लैया सॉफ्ट चाहिए, तभी हम लैया का उपमा बना सकेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे सरसों। ये देखिए सरसों, अब हम इसे ऑयल में डाल देंगे और सरसों को अच्छे से चटक जाने देंगे और साथ में इसमें डालेंगे करी पत्ता। ये देखिए फ्रेंड्स, सरसों अच्छे से चटक गई है और अब हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ छोटा छोटा प्याज और हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है और साथ में डालेंगे रेत की हुई अदरक और इन सभी को हम मिक्स कर देंगे और प्याज को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे हरी मटर। हरी मटर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और इसे हम मिक्स कर लेंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इसे हम मिक्स कर देंगे। को मिक्स करने के बाद अब हम कढ़ाई को ढक देंगे ताकि मटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम मटर चेक कर लेते हैं। ये देखिए मटर जो है वो सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर को हम ऐसे मटर से ढक देंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर डालने के बाद मैंने कढ़ाई को 2 मिनट के लिए ढक दिया है ताकि टमाटर आसानी से सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, चलिए देखते हैं। ये देखिए टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे भुनी हुई मूंगफली। मूंगफली को मैंने पहले भी ड्राई रोस्ट करके रख लिया था, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो मूंगफली या मटर में से कोई एक चीज डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पहले टमाटर इसलिए नहीं डाला क्योंकि अगर हम पहले टमाटर डाल देते तो मटर को सॉफ्ट होने में समय लगता। और मूंगफली को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मुरमुरा या लैया, जिसे हमने वॉश करके रखा हुआ है। देखिए, और अब हम इसे इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे 5 से 10 मिनट अच्छे से भून लेंगे ताकि जो लैया में नमी है, जो लैया में मॉइस्चर है, वो खत्म हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस यानी नींबू का रस। आप चाहे तो प्लेटिंग करते समय भी नींबू का रस डाल सकते हैं। नींबू का रस डालने के बाद अब हम इसे भी मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसमें 1/2 छोटी चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे चीनी नहीं डाली है। नींबू का रस डालने के बाद अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें ऊपर से डालेंगे हरी धनिया और इसे भी मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लैया का उपमा बनकर रेडी हो गया है और अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे
थोड़ी सी नमकीन। मैंने यहाँ पे बेसन भुजिया डाली है, आपके पास जो नमकीन घर में अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये लैया की उपमा की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।